भाई स्वागत है आप सभी का इंदौर बिजनौर चौहान में। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कबूतरों के बारे में। मेरे पास देखिए कितने सारे कबूतर है। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये चीज़ में दिक्कत आई थी, तो उससे नुकसान हो जाता है, लोगों का अच्छे अच्छे कबूतर मर जाते हैं, तो उस बारे में बहुत ज़रूरी बात है। तो आप वीडियो ज़रूर पूरा देखना, आपको अच्छे से जानकारी देके जाऊँगा और आपके ज़रूर काम में आएगी और आप इस चीज़ को मानोगे भी कि मैंने सही बताया आपको। क्या होता है, लोग बाग अपने कबूतरों की डीवॉर्मिंग करते हैं, तो डीवॉर्मिंग के टाइम पर उनको ये पता नहीं था कि कितनी दवाई हमको देनी चाहिए कबूतरों को। तो क्या होता है, कबूतर को डिवॉर्मिंग की दवाई देते हैं, उनके अंदर वॉर्म्स जो होते हैं कीड़े, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अच्छे कीड़े जो पेट के पचाने वगैरह काम में आते हैं, और जो बुरे कीड़े जो कि इनका एक्स्ट्रा खाना खा जाते हैं। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई, कबूतरों के पेट में दो प्रकार के कीड़े होते हैं। तो जब भी हम कबूतरों की डिवॉर्मिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कबूतर एक या दो दिन सुस्त रहता है, तो उसके लिए जो आप यूज़ करते हो, तो आप उसमें जब डिवॉर्मिंग करते हो उससे कुछ समय पहले उनको मल्टीविटामिन्स वगैरह देना चाहिए, ताकि उनका शरीर मजबूत हो और वो उस डोज को झेल पाए। और क्या होता है कि क्वांटिटी भी ज़्यादा होने से आपका कबूतर जाया हो जाता है और सूखे में आ जाता है, और आप उसको सही नहीं कर पाते तो फिर वो मर जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा कबूतर। तो आपको क्या करना चाहिए, क्वांटिटी हमेशा एक कबूतर पर कबूतर से आप अगर दोगे ना तो ज़्यादा अच्छे सेफ रहेगा। तो आपको कैसे देना चाहिए, एक बूंद दवाई जो होती है, जैसे आप बेंडी प्लस यूज़ करो या एल्बोमार यूज़ करो या पेट के कीड़ों की कोई कबूतरों की दवाई यूज़ करो या एनिमल्स की, तो आपको एक बूंद में आप दो कबूतरों की डिवॉर्मिंग कर सकते हो। सोचो कितना हो जाता है, जब लोगों की डब्बी पूरी डाल देते हैं तो उस कारण से उनके कबूतर के खेल खत्म हो जाती है, सब कबूतर मर जाते हैं। वो मरते ऐसे एकदम से नहीं, धीरे धीरे सूखते हैं कबूतर और फिर मरते हैं, दाना नहीं पचा पाते हैं, उनकी पचाने की शक्ति वगैरह सब खराब हो जाती है। तो ऐसा ही होता है लोगों के साथ में। अभी दो तीन दिन पहले मेरे पास एक भाई का फोन आया था, उनके पंजाबी कबूतर थे कुछ, तो उन्होंने क्या किया, डिवॉर्मिंग कर दी कबूतर, उनके उसमें चार पांच ही कबूतर थे, तो उन्होंने आधी डब्बी लगभग उसमें डाल दी, तो उनके कबूतर सूखे में आ गए और मर गए। एक कुछ एक दो बच जाते हैं जो रिकवर कर पाते, जिनका लीवर वगैरह थोड़ा ठीक रहता है तो बच जाते हैं, बाकी वो भी इफेक्ट में तो सभी आ जाते हैं। तो आप कभी भी डिवॉर्मिंग करो तो बहुत सतर्क से करो। यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें देख लीजिए, लोग मैंने देखा है वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कि दवाई बता देते हैं, बाकी क्वांटिटी बहुत कम बताते हैं। बोलते हैं आप 5 लीटर पानी लो, उसमें एक डब्बी डाल दो। अरे भाई 5 लीटर पानी भी बहुत होता है, उसमें आप एक डब्बी मतलब बहुत ज़्यादा डाल रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बूंद दवाई में आप दो कबूतरों की डिवॉर्मिंग कर सकते हो, तो इस हिसाब से आपको समझ लेना चाहिए। आप एक ढक्कन ले सकते हो 5 लीटर पानी में, सिर्फ आप दो दिन डिवॉर्मिंग कर लीजिए। जैसे आप आज आपने कबूतरों की डिवॉर्मिंग की, आप कल देखिए कबूतरों की कंडीशन, कीड़े निकले आपके नहीं निकले, कबूतर स्वस्थ घूम रहा है लूज हो रहा है, अगर लूज हो रहा है तो उसको वापस डिवॉर्मिंग मत कीजिए, आप रुक जाइए थोड़े समय, और अगर नहीं लूज हुआ आपका कबूतर ठीक है, कीड़े थोड़े बहुत निकले, तो आप एक बार और डिवॉर्मिंग कीजिए, और वो सिर्फ एक ढक्कन डालिए पूरे 5-6 लीटर पानी में, उससे क्या होगा सेफ रहेगा। और देखा जाए तो अगर आपके कबूतर तंदुरुस्त है और आपको नॉर्मली डिवॉर्मिंग करनी है, कीड़े निकालने हैं, तो आप बहुत सारे आयुर्वेदिक तरीकों से निकाल सकते हो। जैसे आप गुड़ जो होता है, गुड़ भी अगर कबूतरों के दोगे तो थोड़ा बहुत जो उनका है नॉर्मली डिवॉर्मिंग हो जाती है। मौसम के जैसे मौसम ख़राब चल रहा है और आप कबूतरों को आपको पता है कि कीड़े निकल रहे हैं, बीट में दिख रहे हैं, तो आप गुड़ से और काली मिर्च लौंग इनका पानी गर्म करके भी डिवॉर्मिंग कर सकते हो। तो इस तरह से डिवॉर्मिंग कीजिए तो आपके कबूतर काफ़ी सेफ रहेंगे। मेरे पास देखिए काफ़ी सारे कबूतर है, देखिए अभी आएंगे यहाँ, मैं बुलाता हूँ, चलो आ चलो देखिए मेरे सारे कबूतर हैं, वो सारे कबूतर फिट है और तंदुरुस्त है मेरे। ये बच्चे भी काफ़ी, मैंने परपूस निकाल रखे हैं इनके, क्योंकि सीजन के हिसाब से अब नए पर आएंगे तो ठंड में देखेंगे, कभी उड़ाने की इच्छा तो उड़ा लेंगे, समय तो ऐसे रहता नहीं, फिर भी देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आप डिवॉर्मिंग कीजिए तो उसके पहले अपने कबूतर को मजबूत तरीके से आपको लीवर टॉनिक दीजिए, ब्रूटोन दीजिए। उसको ब्रूटोन आप पानी के अंदर एक ढक्कन दे सकते हो 5-6 लीटर पानी के अंदर, तो वो आप कम से कम 10-15 दिन चलाओ और फिर डिवॉर्मिंग कर दो, आपके कबूतर और फ्रेश हो जाएंगे, उनके कीड़े भी अच्छे से निकल जाएंगे और उनका जो लीवर वगैरह वो मजबूत रहेगा। तो आप इस प्रकार से डिवॉर्मिंग कीजिए। डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बाकी अगर आपको सही और सटीक जानकारी हो तभी डिवॉर्मिंग कीजिए, तो आपको एक अच्छे अच्छे कबूतर जाया हो सकता है। देखिए आप कितना अच्छा कबूतर सामने, आप ये अंडेदार देख सकते हो, ये रामपुरी फीमेल देख सकते हो, अगर ऐसी हम चूक करेंगे तो फिर ये इतने अच्छे परिंदे जाया हो जाएंगे। डिवॉर्मिंग आपको बहुत सोच समझ कर बहुत कम क्वांटिटी में करना है, ठीक भाई। ये जानकारी देनी थी बस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना आपके भाई को, और काफ़ी सारी जानकारी मेरे पास में, अगर आपको अच्छी लगे तो मैं आपको और शेयर करूँगा। कोई टॉपिक हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, उस पर मैं आपको जानकारी जरूर दे दूँगा, ठीक भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में।